यहाँ नर्मदा मंडलेश्वर के भक्त मंडल ये व्यवस्था संभालते हैं। दादा ने गौरी शंकर महाराज की जमात देखी है। बगल में ये एक जल की धारा है, नर्मदे हर उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग मंडलेश्वर जिला खरगोन MP महेश्वर के बाद यह अगला स्थान है मंडलेश्वर। ये स्थान भी नर्मदा मैया के तट पर है। महेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मंडलेश्वर के इस घाट को राम घाट कहते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। तट के सामने ही परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है। बहुत साफ सुथरी जगह है ये, नर्मदे हर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित आश्रम है। यहाँ मंडलेश्वर में काफ़ी सारे मंदिर हैं और मंडलेश्वर के आसपास भी काफ़ी दार्शनिक स्थान हैं, प्राचीन। यदि यहाँ पर किसी को सभी जगह का दर्शन लाभ लेना हो तो कम से कम 2 दिन का समय निकाल कर यहाँ पर आएं। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग मंडलेश्वर जिला खरगोन नर्मदे। यहाँ मंडलेश्वर में चाचा इस आश्रम के व्यवस्थापक हैं। चाचा नर्मदेहर आपका नाम क्या है चाचा? संतोष मोहिदे। ये आश्रम कब से है चाचा? ये आश्रम जो है 5 अगस्त 2020 को हमारे यहाँ की जो विधायक है विजय लक्ष्मी साधु, उन्होंने इसको बनवाया है अपनी सांसद विधायक निधि से। और यहाँ पर हम नर्मदा परिक्रमावासियों को रात्रि विश्राम, सुबह का भोजन की सुबह शाम भोजन की व्यवस्था और यहाँ पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था देते हैं। यहाँ नर्मदा मंडलेश्वर के भक्त मंडल ये व्यवस्था संभालते हैं। कितने समय से चाचा? 2 साल से यह आश्रम चल रहा है, अभी नया नया बना है और यहाँ के सब भक्त मंडल ये व्यवस्था करते हैं जी। नर्मदेहर 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 नर्मदेहर। हमको चलते हुए मंडलेश्वर में रामचंद्र पाटीदार दादा मिले। ये बहुत मस्त व्यक्ति हैं, सभी परिक्रमावासियों को रोक रोक कर चाय और मही पिलाते हैं। दादा नर्मदेहर नर्मदेहर। कब से चाय पिला रहे हैं परिक्रमावासियों को? मैं 2 साल से चालू किया है बस। उसके पहले? पहले ऐसे पिला रहे, पहले 2 साल से हम मुकाम पे बैठ के पिला रहे हैं। अच्छा जी। सर आपका क्या नाम? हंसराज कर्मगो। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? वकील हूँ। अच्छा, मंडलेश्वर में? हाँ, जिला कोर्ट में। नर्मदेहर। ये दादा की गौशाला है। ये
ये एरिया में जितनी ज़मीन दिख रही है सब दादा की है। नर्मदे हर। दादा ने गौरी शंकर महाराज की जमात देखी है, दादा थोड़ा बताएं उनके बारे में। 65 साल करीब हो गए हैं जी। हाँ, काफ़ी गाय थी, साधु संत सब साथ में थे, कीर्तन भजन सब होता था, गांव के लोग सेवा भी बहुत करते थे, कड़वी चारा सब बाहर से खाने पीने के तरफ से। कितने दिन रुके थे यहाँ? यहाँ 15 दिन रुके थे मंडलेश्वर में। हाँ, आपने दर्शन करें गौरी शंकर? हाँ, करा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग। मंडलेश्वर जिला खरगोन। रामघाट बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित घाट है ये। नर्मदा तट के किनारे यहाँ पर ऊपर श्री राम मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर और कान्हा जी का मंदिर है। कान्हा जी का मंदिर है। ये श्री राम मंदिर है।
नर्मदे हर काशी विश्वनाथ मंदिर मंडलेश्वर जिला खरगोन मध्य प्रदेश काशी विश्वनाथ महादेव उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश नर्मदे हर नर्मदे हर श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मंडलेश्वर जिला खरगोन मध्य प्रदेश प्रेमदास बंगाली बाबा समाधि स्थल ये श्री बंगाली बाबा समाधि स्थल है उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग मंडलेश्वर श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मंडलेश्वर जिला खरगोन ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक हम पहुंच गए हैं। ये ऊपर का निर्माण बाद में हुआ है। पहले ये मंदिर के अंदर यहीं छोटे से रास्ते से जाना होता था, काफ़ी छोटे मार्ग से यहाँ पहले जाना होता था। ये गुरुजी ने बाद में बनवाया है।
गुप्तेश्वर महादेव के बगल में ये एक जल की धारा है। ये आने का रास्ता है और बगल से ये निकलने का रास्ता है गुप्तेश्वर महादेव का। और विस्तार से जानकारी नर्मदा पुराण में है। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग गुप्तेश्वर महादेव जिला खरगोन MP नर्मदे हर की गाड़ी ऐसी गाड़ी अभी तक नहीं दिखी यार गन्ने के रस की।